उत्तराखंड में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिल्डोजर की राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फासीबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फासीबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये मस्जिद मदरसा सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, आपको कोई मंदिर हिंसा नहीं मानती है, कोई मनुबाद आपको इंसान नहीं मानता, कोई वर्णाश्रम आपको इंसान नहीं मानता, आपको इंसान मानने वाला सिर्फ मस्जिद और मदरसा है। दोस्तों, देश में जहां मस्जिद मदरसों को अवैध बता करके उसे जमींदोज करने का काम किया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चला करके 700 साल पुरानी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, 500 साल पुरानी दरगाहों पर लगातार बुलडोजर करके जब जमींदोज करने का सिलसिला जारी है, तो तस्वीर दुनिया के सामने आने लगी है कि जगह जगह मुसलमान हैं अब इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों को मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नजर नहीं आ रहे हैं, पर देश में न्याय यात्रा निकाली जा रही है, पर मुसलमानों पर हो रहे अन्याय पर वो खामोश बैठे हैं। और जब मुसलमानों पर हो रहे अन्याय को लेकर के खामोश बैठे हुए हैं, तो जो मुसलमान भर भर करके राजनीतिक पार्टियों को वोट दिया करते थे, वो देखें कि किस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो इस चीज को लेकर के एहतजाज कर रही है, जिन मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां बात करने से गुरेज कर रही हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आप कायम करो, कायम करो, कायम करो, कायम करो। बिल्डोजर की राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फासीबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फासीबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नफरत की राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिल्डोजर की राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1991 का कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। 1991 अधिनियम कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। नफरतवादी बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक समुदाय को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक समुदाय को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आस्था की बुनियाद पर फैसले देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आस्था की बुनियाद पर फैसले देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अदालतें फैसला नहीं इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। फैसला नहीं इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। देश में भाईचारा कायम करो, कायम करो, कायम करो। ज्ञान व्यापी मस्जिद की पूर्व स्थिति बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ज्ञान व्यापी मस्जिद की पूर्व स्थिति बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मस्जिद कब्रिस्तान को दोबारा वही तामीर करो, मस्जिद कब्रिस्तान को दोबारा वही तामीर करो। मीडिया और दूसरी सरकारी एजेंसियां गैर कानूनी कार्रवाई करना बंद करो, मीडिया दूसरी एजेंसियां गैर कानूनी काम करना बंद करो। उत्तराखंड में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड में जिन निर्दोष लोगों की हत्या हुई है,
उनको मुआवजा सरकारी नौकरी दो, मुर्दाबाद फासीबाद मुर्दाबाद। आपने देखा कि किस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ मस्जिद मदरसों के ऊपर चल रही है, उधर एसडीपीआई दिल्ली के जंतर मंतर का घेराव करती है और एहतजाज करती है, बताती है हुक्मरानों को कि ये नाइंसाफी जो है आपकी चलने वाली नहीं है और इस नाइंसाफी को रोका जाना चाहिए। जहां हरिद्वार उत्तराखंड के हल्द्वानी के मजलूम मुसलमानों को फंसाना बंद करो के नारे लगाए जा रहे हैं, बुलडोजर की राजनीति बंद करो के नारे लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। मस्जिद जिधर 500 साल थी उस मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बना गया और उसका भी ओपनिंग आप कर रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क है इसका एहसास आपको होना चाहिए। मैं इस देश के पिछड़े लोग जो भी हैं, आदिवासी बैकवर्ड का बाबरी मस्जिद जगह भी तो दिए मोदी जी बोल रहे हैं, मुद्दा ये नहीं, राम मंदिर इस देश के अंदर कितने भी बनो हमें उससे कोई एतराज नहीं है। मस्जिद तोड़ के उधर मंदिर बने ना, उससे सिर्फ हम मुखालिफ कर रहे हैं। आप कितने भी और एकड़ देंगे, वो औरंगजेब ने दिया, सब बादशाहों ने दिए मंदिरों को, कितने एकर्स दिए, आज भी हम मुसलमान देंगे, लेकिन मस्जिद तोड़ के उधर मंदिर क्यों बन रहे हैं? आपके जरिए से मैं इस देश के आदिवासियों जितने भी पिछड़े हैं उन सबको मैं बुला रहा हूँ। देखो, मस्जिद और मदरसा की लड़ाई सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है। आदिवासियों, तुम लोगों को इंसान मानने वाला मस्जिद और मदरसा है, तुम लोगों को इस देश के अंदर भाईचारा सिखाने वाला मस्जिद और मदरसा है। आप लोगों भी आओ हमारे साथ इस लड़ाई में, आप लोग भी आना है बोल के मैं आप लोगों को दावा करता हूँ, क्योंकि ये मस्जिद मदरसा सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। आपको कोई मंदिर इंसान नहीं मानती है, कोई मनुबाद आपको इंसान नहीं मानता, कोई वर्णाश्रम आपको इंसान नहीं मानता, आपको इंसान मानने वाला सिर्फ मस्जिद और मदरसा है। ये आपके लिए भी है, आप सब लोग हमारे साथ आओ, ये फासिस्टों के खिलाफ हम लड़ेंगे। शुक्रिया। कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंसान को इंसान मानने का जो काम है वो मस्जिद मदरसों ने किया है। जहां इंसान के साथ भेदभाव होता है ये वही मस्जिद मदरसा है जहां इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, इंसान को सिर्फ इंसान माना जाता है। और आज ये चीजें हो रही हैं, इस पर तमाम अमन पसंद लोग जो हैं खामोश बैठे हुए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोश बैठी हुई हैं। और इस पर क्या कुछ कहना है एसडीपीआई की महिला विंग शाहीन कौसर का, पहले इस बयान पर नजर डालिए। बाबरी मस्जिद आज से, हम बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज बाबरी मस्जिद का नाम लेना जरूरी हो गया है। ये जो है आस्था को बुनियाद कर बाबरी मस्जिद से जिस तरीके से फैसला किया गया, ये पूरा देश इस बात का गवाह है। और उसमें ये भी साबित हुआ जो जजमेंट में आया कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, लेकिन बावजूद इसकी भी जो है हमने इस पर आवाज़ नहीं उठाई और खामोशी का मुजाहरा किया, सिर्फ एकता के लिए कि देश का माहौल बिगड़ने ना पाए और आपसी भाईचारा कायम रहे। लेकिन अब हक ये हो गया है कि अब उसकी आड़ में इतना सह लोगों को मिल गया है कि अब ज्ञान वापी जो मस्जिद है उसमें जो है अब रातों रात इस तरह का एकदम फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कमीशन दे दी और इस तरीके से सामग्री पूजा की इकट्ठा करवाई, विंडो तोड़कर इतनी जल्दबाजी इतनी बालादस्ती के साथ उसमें अंदर एंटर किए और पूजा भी हो गई। तो इस पे जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार और एजुकेशन और जो है ये डेमोक्रेसी सिस्टम है और जो जुडिशरी है वो भी जद में कहीं ना कहीं आती है और ये जो है पूरे देश में एक सवालिया निशान अदालत पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज अदालतें जिस तरीके से खामोश हैं और देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और देश की का माहौल सिर्फ हिंदुत्व जो बनाने की पूरी भरपूर
कोशिश हो रही है और जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है और इतना सब कुछ होने के बाद अगर अदालत खामोश है तो संविधान और डेमोक्रेटिक सिस्टम की, लोकतंत्र की धज्जियाँ लगातार उड़ाई जा रही है और बुरी तरीके से उड़ाई जा रही है। ये जो है नाकाबिले बर्दाश्त है और एक ही समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ है इसको दलित को वो जो है जानबूझकर या तो उनको परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है या तो उनको इतनी बड़ी मंशा के साथ बाहर भेजने की या उनको बाहर भगाने के लिए पूरे एकजुट एक समूह एक साथ। कुछ जगह पर बेशक से मुसलमान सोए हुए हों पर अब वो जाग रहे हैं, वो जाग रहे हैं उनके हक और हुकूक के लिए जो उनका इतिहास मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों को साथ आना चाहिए था वो राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं। और ये सवाल उन मुसलमानों से भी है जो राजनीतिक पार्टियों में अपने उभरती लीडरशिप को देखती है, वो लीडरशिप अब कहाँ है? जहां तमाम मुस्लिम पार्टियों को दरकिनार कर दिया गया पर उनके मुद्दों के लिए सड़क पर आवाज उठाने का काम जो है वो SDPI कर रही है। और यही काम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल द्वारा बरेली शरीफ में किया गया और यही काम जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज को उठाया जो जुल्म ज्यादती की जा रही है, मुसलमानों के साथ उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है। हर एक खबर को हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।